पिला दे जल्दी। मोजा देखिए देखिए देखिए, ये नेल पेंट क्यों लगाए हैं हाथ में लाल लाल? अरे कौन रंगा है जी पैर आपका इस तरीके से? औरत लोग रंगी। कौन आप तो घर गए थे काम से, फिर ये सब क्या है? बोलिए ना क्या हुआ? मतलब फेमस होना गुनाह हो गया। बल दुबरी बाप ब्याह का नाम सुने हैं? हाथ पकड़ के बस्ती में शादी करवा देता है। आपको शादी करवा दिया है? अरे हाँ भाई हाँ, शादी सुबह से शादी देख रहे नहीं सब सलम पकड़ के क्या किया है सब। आप बोला नहीं मेरी बेटी है? बेटी क्या, हम बोले बेटी क्या, बेटी का माँ भी है मेरे पास। आप शादी कर लिए हैं? हम शादी नहीं किए, शादी करवाया गया यार। पागल है, शादी कर ली, शादी आप क्यों लेके आए उसको यहाँ पर? यार कोई शादी करवा दिया जबरदस्ती, शादी करने के बाद रूम में बंद करवा दिया, रात भर रहे हैं उसके साथ, हुआ भी है सब कुछ। हम छोड़ दें। नो 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 नो, फिर बोलिएगा आप कैसे हम आपको विश्वास दिलाए यार? क्या किया था आपके साथ शादी के बाद? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड फ्रेंड्स। गाइस बहुत थक गया हूँ मैं। एक्चुअली क्या है ना कि कल एक वीडियो नहीं आया हमारे चैनल पे, क्योंकि मैं जो है किसी काम से अपने गांव भागलपुर गया हुआ था बिहार। और आप लोगों को पता है कि एक नियम है बिहार में, नियम मतलब पहले था, अभी पता नहीं चलता है या नहीं चलता है, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने यूट्यूब पे ही एक कमेंट में सजेशन दिया था कि ये वीडियो बनाने के लिए, प्रैंक बनाने के लिए, कि बलजोबरी हाथ पकड़ी जबरदस्ती शादी हुआ है मेरा, तो ऐसा एक प्रैंक करना है। तो मैं सोच रहा था कि रास्ते में कि क्या ऐसा करूं कि थोड़ा सा लगे कि हाँ ऐसा हुआ है। तो हमारे यहाँ क्या है ना शादी में, हमारे यहाँ हो सकता है सबके यहाँ होता हो, मुझे अपने बारे में ज्यादा पता है, तो हमारे यहाँ शादी में क्या होता है ना, लड़कों के पैर में अलता जो लाल रंग का होता है ना कलर, वो लगाया जाता है, उंगलियों में नेल पॉलिश, मेहंदी। तो मेहंदी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वीडियो बनाने के बाद वो जल्दी छूटेगा नहीं तो लोग बहुत हंसेंगे मेरे ऊपर। तो मैंने क्या किया, नेल पॉलिश और एक रेड कलर का अलता मैंने खरीदा है। ये देखिए, यहाँ दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये अलता लिया है मैंने और एक नेल पॉलिश मैंने रास्ते से खरीदा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, नेल पॉलिश और अलता लगा करके मैं घर जाऊंगा। सोच रहा हूँ जाऊँ कैसे, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि हाथ को तो खैर मैं ऐसे जेब में डाल करके छुपा के लेके चला जाऊंगा, पैर में सॉक्स है तो पता चलेगा नहीं। घर जाने के बाद मैं क्या करूंगा, हाथों में भी कुछ करूंगा, सॉक्स वगैरह पहन लूंगा या दस्ताने जो होते हैं वो पहन लूंगा, देखता हूँ क्या करता हूँ, फनी होगा। तो सबसे पहले मैं नेल पॉलिश लगाता हूँ अपनी उंगलियों में और चलता हूँ सबसे ऊपर, मतलब पहले ऊपर। बहुत थक गया हूँ यार, कंटिन्यूसली ड्राइव किया मैंने, 300 किलोमीटर जाना 300 किलोमीटर आना, तो बहुत थक गया हूँ मैं। जल्दी से प्रैंक बना करके आप लोगों के लिए वीडियो डालना भी है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी से ऊपर जाते हैं, पहले कलर लगाते हैं, फिर मिलते हैं प्रैंक में। 20 मिनट्स लेटर। क्या हुआ जी? चुपचाप कहाँ हैं? काम नहीं हुआ क्या? हाँ काम नहीं हुआ? काम तो हुआ है यार। लीजिए पिला दीजिए। मोजा मोजा क्यों आने लगा? ठंडा लग रहा है, पिला दीजिए। ठंडा लग रहा है, पानी पिलाइए ना जी। हाथ में मोजा कौन पहनता है? अरे हाथ पैर में ठंडा लग रहा है जी, गजब वाला, पिलाइए ना। और इसे मैंने लग रहा है, हाथ में ग्लव्स पहनते हैं तो मोजा क्यों पहन के खे यार? ग्लव्स नहीं मिल रहा था इसलिए पहन लिए, पिलाइए ना पानी। खोलिए इसको। पागल क्या है ये? हाथ में अलता क्यों, नेल पॉलिश क्यों लगा है? देखिए देखिए देखिए, ये नेल पेंट क्यों लगाए हैं हाथ में लाल लाल? क्या हुआ है? हाँ? ए क्या हुआ, ये क्यों लगाए हैं? ए तू गलत हो गया मेरे साथ। गलत हो गया क्या हुआ? अरे नलता के यहाँ भी लगा है, पैर में भी। अरे कौन रंगा है जी पैर आपका इस तरीके से? किस्मत खराब है मेरा। ये राम क्या करके आए हैं जी आप गांव गए थे ना?
पैर हाथ क्यों रंगवा के आए हैं? रंगवा के आए, सौग लगाया गया हमको, रंगवा के आए हैं। तो क्यों, क्या हुआ बताइएगा, क्या हुआ है, क्या हुआ है? अरे क्या हुआ बताइए ना हमको। हम गुस्सा की वजह से हम आपको नहीं बता रहे हैं। अरे बोलिए ना, आपको चिंता हो रहा है, क्या हुआ है? भैया गए थे ना साथ में, नहीं बताइएगा हमको, हम उन्हीं को फोन कर लेते हैं। अरे उन्हीं बता रहे थे। जल्दी बोलिए क्या हुआ है। अरे क्या हुआ है? आप पहले कसम खाइए, आप गुस्सा नहीं होइएगा। नहीं आप बताइए क्या हुआ पहले। आप पहले कसम खाइए, नहीं आप दिखाएंगे, आप बताइए क्या हुआ है। तो गुस्सा हो जाएगा तो नहीं बताएंगे। नहीं आप बताइए हम क्या हुआ है। बोलिए क्या हुआ है, क्यों पैर हाथ कैसे रंगाया आपका? हाँ बोलिए जल्दी से, पहले पानी भी नहीं देंगे। बोलिए ना क्या, क्यों हाथ पे कौन रंग दिया आपका? औरत लोग रंगी। कौन आप तो घर गए थे काम से, फिर ये सब क्या है? हाँ बताइएगा हमको क्या है। सलाम यार, आप ना वीडियो मत बनाया कीजिए, दिमाग खराब हो जाता है। तो उधर से एक बोलिए ना क्या हुआ, मतलब फेमस होना गुनाह हो गया है। गांव में कौन वीडियो देख रहा है हम लोगों का? बोलिए पकड़ के बैठा के रंगवा दिया यार, सब दे, ये पाद में लगा दे, पैर में लगा दे, तो चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तुरंत क्यों किया, औरत बनाना चाह रहा है आपको क्या? औरत बन क्या करेंगे जी? तो बलजुबरी, बलजुबरी बाप ब्याह का नाम सुने हैं? आप पकड़ के बस्ती में शादी करवा देता है। आपको शादी करवा दिया है? अरे हाँ भाई हाँ, मजाक कर रहे हैं ना? हाँ मजाक कर रहे हैं, पागल हो गए, हमें मजाक कर रहे हैं। चलो एक तो शादी का टाइम कहाँ है जो आपको जबरी शादी करवा देगा कोई? हाँ शादी का टाइम, साला मेरा टाइम ही खराब चल रहा है साला। अरे यार मजाक मत कीजिए, आपको सच बोलिए क्या हुआ है? अरे क्या हुआ है? अरे गए थे वहां पे तो भैया बोले कि चलो थोड़ा सा दूसरा गांव से आते हैं। अब उस गांव में गए तो लड़की आके बोलती है तो यूट्यूबर है जो वीडियो बनाता है, बस उसका बाप देख लिया, बोल रहा है कि लगता है तो बहुत पैसा कमाता है। तो गाड़ी से गए थे तो गाड़ी वीडियो देखा, पूछा सब यूट्यूब पे वीडियो वीडियो देखा तो पूछा कितना कमा लेते हैं, तो बताया महीना 1 लाख रुपया हो जाता है। जबरदस्ती पकड़ के शादी पे बैठा दिया। हम बोले हम साहब सब समझाए कि मेरा बीवी है, मेरा शादी हो चुका है, बोले इतना कमाते हैं दामाद जी आप एक और संभाल लीजिएगा। हम पागल हो गए, मजाक, हाँ मजाक कर रहे हैं, हम पागल हो गए, मजाक कर रहे हैं, हम मजाक कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन कर देगा दूसरे शादी शुदा से शादी? देख रहे नहीं सब सलम पकड़ के क्या किया है सब? आप बोले नहीं मेरी बेटी है, बेटी क्या, हम बोले बेटी, आप बेटी का माँ भी है मेरे पास। जबरदस्ती बोला नहीं तुम बहुत पैसा कमाते हो दामाद जी आप संभाल लीजिएगा इसको, जब जबरदस्ती शादी करके हमको भेज दिया। आप तो पकड़े जरूरी था 1 लाख रुपए कमा रहे हैं आप, तो हमको लगा कि कोई पूछ रहा होगा कि क्या करता है। आप 1 लाख कमाते भी है पहले यूट्यूब से? खैर वो बात की बात है, ये मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है इस तरीके से कौन बलजबरी शादी करता है, पहले चलता था अभी चलता है सर, क्या आप झूठ बोल रहे हैं? तो आप मजाक कर रहे हैं बहुत बुरा। चास जाइए होटल राजदूत में, एक नंबर, एक नंबर बोल रहे हैं, 203 नंबर रूम में है वो, जाइए मिल लीजिए जाकर अपनी बहन से। बकवास कीजिएगा आप, आपके भाई कुछ पूछते हैं वही तो दहेज का बात किया, दहेज का बोला कि शादी करवा रहे, ऐसे नहीं करना होगा शादी, दो थप्पड़ उसको भी लगाया, बोला कि देखिए हम शादी करवाएंगे से कराएंगे, दहेज भी हम देंगे। दहेज देंगे, कौन देगा दहेज? दहेज कौन देता है यार? भैया आपको शादी करवा दिए? नहीं भैया क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे वहां जाकर? अरे यार बार बार मोबाइल ही निकाल रहे, जो वो क्या कर रहे थे भैया जो आपको शादी करवा दिए? 2-3 थप्पड़ मारा उसको, हमको जबरदस्ती पकड़ के बैठा दिया वहां पे, औरत लोगों के बीच में, औरत लोग सब मेरा हाथ उठा दी, मेहंदी लगा रहे थे, बोले मेहंदी मत लगाइए प्लीज, हम हाथ जोड़ते हैं, पूरा पैर पकड़े सब लेडीज का, तब जाकर मेहंदी छोड़ी है, बाकी ये पैर रंग दी पूरा, मेरा हाथ उंगली में लगा दी। आप शादी कर लिए हैं? हम शादी नहीं किए, शादी करवाया गया यार, पागल है, शादी कर ली, शादी आप क्यों लेके आए उसको यहाँ पर? जो आपको उसके लिए कुछ था क्या जो आप लेकर आ गए? शादी कर ले, मैं आप किसी को संदूक लगा दीजिए, लेकर जाइएगा, आपको भी लगाया तो लेकर आएगी नहीं? बकवास मत कीजिए आप, हम बकवास नहीं कर रहे हैं, जीवन मेरा बकवास बन गया है सर, एक तरफ आप एक तरफ, बकवास कीजिएगा आप, हमको बकवास करने का शौक लगा हुआ है क्या? एक तो मेरा अपना दिमाग खराब हुआ है, बीवी है बच्चा है, आप उसको क्यों लेकर आए यहाँ पर? हाँ आप बोल लेते कि हम वहीं पे, नहीं वो भी बीवी है बच्चा भी हो जाएगा यार, गजब वाला बच्चा कैसे हो जाएगा ऐसे, किसी से बच्चा होता है क्या, किसी से बच्चा
आदत है। किसी से कैसे हो जाएगा यार? हाँ तो फिर क्यों बोल रहे हो? अच्छा हो जाएगा, आपको मन है या नहीं? ना हमको मन नहीं है जबरदस्ती। आपको मन है, झूठ बोल रहे हैं ना? हम काहे के लिए झूठ बोलेंगे यार? झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसे कोई किसी को बांध के और कर लेगा। अभी हम नंबर निकाल रहे हैं वो फोटो वाले का। अरे नंबर निकालने की जरूरत नहीं, वो बोली है दीदी को लेके आइए मेरे पास। को किसकी दीदी? मेरे दीदी तो भरिएगा नहीं, आप पागल ना लगे क्या जी? आप सबने शादी कर ली है जी? हाँ ए बार आपको हम लोग हमको शौक लगा लेडीज बनने का ना, नेल पॉलिश रंग के आइए हल्का लंग कर। बताओ लेडीज बनता है क्या जो लगाता है? कौन है यार, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम अपना बच्चा देखे किस आदमी को देखे, ये आदमी जहाँ जाता है इसको पता नहीं क्या हो जाता है। आपको इतना ही शौक था शादी करने का? शादी करने का शौक हमको काहे के लिए होगा जी? पकड़ के जबरदस्ती करवा दिया, यहाँ पे लगाया था बंदूक, इस जगह पे यहाँ कनपट्टी पे लगाया था बंदूक। बोला शादी कीजिए नहीं तो अभी मैं ही गोली मार देंगे। अब क्या करते बताइए, इस तरह का माहौल रहेगा तो? यार तो आपको उसको लेके आना जरूरी था। अरे यार कोई शादी करवा दिया जबरदस्ती, शादी करने के बाद रूम में बंद करवा दिया, रात भर रहे उसके साथ, आप हुआ भी है सब कुछ, हम छोड़ दे। कैसे हम आपको विश्वास दिलाए यार? क्या किया था आपके साथ शादी के बाद? सच बोल रहे हैं आप? हमको कौन सा शौक लगा झूठ बोलने का? यार आदमी लोग में बहुत हरामी होता है। चलो आपको मतलब शादी मतलब आप जबरदस्ती आप शादी करवा कर दिया, वो करवा दिया तो आप साथ कुछ भी कीजिएगा? हम भी सोचे शादी हो ही गया तो कर लो जो करना है। आप झूठ बोल रहे हैं ना? हाँ हम झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, खत्म जाइए। आप सच में किए हैं उसके साथ कुछ? कोई तरीका है? कोई तरीका है? सच बोलिए हमसे। रूम नंबर 203 में रुकी हुई है होटल राजदूत चास में, जो बाईपास रोड में है, जाकर आप देख लीजिए जाकर के। जाएंगे अभी हम। सुनिए सुनिए खाली आ जाइएगा, सुनिए तो पहले। इधर क्या हुआ, क्या 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 लेके जाए हम? हाँ क्या लेके जाए? कम से कम नया वाला साड़ी तो ले लीजिए कम से कम। आप ही दीजिए साड़ी। अरे बहन है आपकी यार, आपकी बहन है यार। चुप छोड़िए, आप हमको छोड़िए जल्दी से। पहले बैठिए, पहले छोड़िए हमको, पहले बैठिए शांति से। क्या बैठ कर रहे हम? बीवी दोस्त की तरह होनी चाहिए या पहले सुनिए बैठिए, हम भी बोल रहे हैं, आप मेरे बात जवाब दे। बीवी दोस्त की तरह होनी चाहिए या बीवी की तरह होनी चाहिए? बीवी की तरह होनी चाहिए। अरे सुनिए, वही हम करने जा रहे, छोड़िए आप हमको। दुख का घड़ी में ऐसे कोई करता है? हाथ छोड़िए आप। दुख का मेरे लिए कितना दुख का घड़ी आप पता है? अब मेरे लिए नहीं है दुख का घड़ी, आपके दुख का घड़ी है। आप सब मना करके आए हैं समझे ना? चलो ये मजा मेरे लिए सजा बन गया, एक आदमी एक बार में दो दो बार जगह नहीं कर सकता है समझे? पहले होना चाहिए था ना? पहले कैसे, माथा में बंदूक लगा हुआ है यहाँ पर, क्या सोचेंगे हम? क्या सोचेंगे वो, इसका हिम्मत है कि कोई मार देगा आपको? सबसे पहले मेरा फोन छीन के रख लिया, मेरा भैया का फोन छीन के रख लिया। कोई किसी को उड़ा नहीं सकता है समझे? बिहार जाइए ना, आपको बस ले उड़ाएगा कि भगाएगा। आप हटिए यहाँ से, हम अभी आके ना खत्म करके आएंगे उसके साथ। पहले यार शांति दिमाग बैठी है, सोचिए हमको नहीं बैठना, खत्म करके आइएगा। पागल होगा लगे सब, उसका बाप मैं सब आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ से जाते हैं लोग, क्या अगर आपको कुछ करता तो उसके बाद आ जाएगा। और इनका बीवी बचा नहीं जा सकता था वहां, जो दूसरा का उठा के ले आया, मजा ही करके आए हैं, सर नहीं आता है बोलने में। अरे यार बार बार दीजिए, पहले सुन तो लीजिए, पहले दिमाग ठंडा कीजिए, पहले अपना दिमाग ठंडा कीजिए, पहले अपना दिमाग ठंडा कीजिए ना यार। छोड़िए ना हमको आप, मेरा बात सुनिए पहले। इधर देखिए, इधर देख, अरे शांति से पहले सुनिएगा, पहले यार सुन रहे हैं, बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि देखिए जीवन में बहुत कुछ नया नया चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है समझे, उसी तरीके से अब आपकी नई बहन है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरी बहन है, मेरी बहन ऑलरेडी है, ठीक है, हमको अपने सौता नहीं पालना है समझे ना। अरे मैं छोड़ दीजिए अब हम, पहले सुनिए मेरा बात सुनिए, पहले मेरा बात सुनिए। जो हो गया है उसको आप बदल नहीं सकते हैं, समझिए बात को,
थाना हम सब बदल सकते हैं समझे, जबरन किया है ना थाना वाला भी सुनेगा मेरा, और मेरा थाना कैसे सुनेगा हम वो देखते हैं। आप मेरा हाथ छोड़िए, आप हमको भी जब पहचानते नहीं है, हम थाना वाला यार बोलेगा कुछ किया है तो हम किया क्यों रे तुम, आपको समझ में नहीं लग, नहीं करना चाहिए कुछ भी जबरदस्ती है, हम नहीं जानते हैं, हम तो हम तलाक लेंगे, हम नहीं लेंगे बाप साहब, अरे तलाक हम नहीं नहीं लेंगे आपको, फोन तो लीजिए आप पागल आदमी, आप उसी के साथ रहिए, आपको आपको समझ में नहीं आया, अरे सुन लीजिए ना पहले यार जीवन में खुश रहना सीखिए ना यार, क्या नया नया कचकच करते रहते हैं, मतलब कचकच आप किए, हम तो शादी किए, अब हमको छोड़ दीजिए, आप नया शादी किए ना, आप उस साथ एंजॉय कीजिए, अब छोड़िए, अब हमको छोड़िए, हम ऐसे भी बहुत पुराने हो गए ना, सुनिए हम पुराने हो गए हैं ना, हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार नहीं करते, प्यार करते आप उससे कुछ नहीं करते, अरे वो सब तो शादी के बाद हो जाता है अपने आप, अब बताइए जब उसने कोई दूध पिला करके रूम में भेज दिया और तो जाके उसके साथ कुछ भी कर लो, अब वो ऐसी स्थिति में थी तो क्या करते हम, अब मेरा मजबूरी समझिए ना यार, रूम के अंदर गए देखे खुला हुआ है पूरा खजाना, तो आदमी लूटेगा नहीं, अरे बाप रे बाप, खजाना लूटेंगे ना, इसको भी ले लो, हम अभी बता रहे हैं, हमको इसके साथ नहीं रहना, एक पल हम नहीं रहना, एक पल नहीं रहना है, आ ठीक है मत रहिएगा, छोड़िए आप, पहले सब नेल पॉलिश सब छुड़ा दीजिए, मेरे नेल रिमूवर से हम भी छुड़ा, उसी से छुड़ाओ ना, जरा प्रेस लेगा सबको शादी की, हम प्रैंक कर रहे हैं अभी नीचे हम गर्दे हैं सब सामान लगाए हैं, बाप रे बाप, जबड़ा हिला दिए मेरा पे तुम, हमको नहीं है विश्वास, आप आए हैं रूम नंबर 203 में है, आप हटिए, हटिए यहाँ से, हम जाकर देखेंगे अभी, अभी आप हटिए, आप हटिए ना इससे, नहीं है कोई यार, आप हटिए इससे, नहीं है कोई, हम पता कर लेंगे, हटिए, अरे सुनिए क्या मेल रूम पर कहाँ है, जाके देख लीजिए होगा उधर, आप हमको छोड़िए ना, प्रैंक कर रहे हैं ना, तो हमको छोड़िए, आप आपको क्या दग? आप जब आप प्रैंक कर जा रहे हैं, रहे हैं प्रैंक कर रहे हैं, हम जा रहे हैं ना कहीं, जा रहे हैं वही, जा रहे हैं वही रूम, वही होटल में, तू बोलिए खाली हाथ नहीं आने के लिए, साड़ी लेके आने के लिए, साड़ी लेके जाइए, हाँ हम खरीद लेंगे रास्ते में, हटिए छोड़िए, हम साड़ी खरीद के देंगे उसको, साड़ी क्या बहुत कुछ देंगे, अभी बहुत सारा गहना पर दे देंगे, कहाँ है मंगलसूत्र भी दे देंगे, खोली मंगलसूत्र, सच में प्रैंक कर रहे हैं, टोपी दीजिए वो, ऐ दीजिए, क्यों ऐसा ऐसा प्रैंक क्यों करते हैं, हाँ बोलिएगा, तो जबड़ा हिल गया मेरा, तुम बाप रे इतना मोटा चूड़ी टूट गया,